सर मुबीन स्पोकन इंग्लिश, मुबीन इंग्लिश मीडियम स्कूल और अब मुबीन पीयू कॉलेज, आपके कॉलेज की खूबी क्या होगी? इंशाल्लाह मुबीन पीयूसी साइंस कॉलेज की खूबी ये होगी कि हम देखते हैं मिल्लत के जो जितने भी नौजवान हैं बहुत सारे बेमकसद पढ़ाई करते, तो पहले हमारे पास गोल सेटिंग होगी टाइम लिमिट के साथ ताकि 2 साल का कोर्स 2 साल में मुकम्मल हो। और दूसरी हमारे कॉलेज की खूबी ये है कि हम इंशाल्लाह स्टूडेंट्स के हिडन टैलेंट को पहचान कर, जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं मैं करियर काउंसलर हूँ, तो स्टूडेंट्स के हिडन टैलेंट को पहचान कर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए इस दुनिया के अंदर एक नई पहचान अपनी बनाएं और खूब ज़िंदगी में कामयाब हों। सर और एक सवाल, आपके कॉलेज में फोकस एरिया क्या होगा? हमारे कॉलेज में इंशाल्लाह जो फोकस एरिया है वो नीट का है। हम स्टूडेंट्स को नीट के लिए, हमारा गोल पहले से ही क्लियर है कि हम नीट के लिए इंशाल्लाह स्टूडेंट्स को तैयार करेंगे, साथ ही साथ उनका जहन यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंशाल्लाह हम उनका जहन बनाते रहेंगे। तो फोकस एरिया हमारा नीट और यूपीएससी होगा। सर गुलबर्गा में कई सारे कॉलेज हैं, कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा, आप कैसे देते हैं? जहाँ मुबीन है वहाँ क्वालिटी भी है, कॉम्पिटिशन भी है और नो डाउट रेस भी होगा। तो होने दीजिए कॉम्पिटिशन, होने दीजिए रेस। तो जब क्वालिटी की एजुकेशन के लिए कॉम्पिटिशन और रेस होगी तभी तो हैदराबाद कर्नाटक रीजन इस दुनिया के ऊपर राज करेगा। तो हिडन स्टूडेंट्स के हिडन पोटेंशियल को पहचान कर उन्हें एक मकसद देना, ये मेरे कॉलेज का खास अहम इंशाल्लाह किरदार है रहेगा। और दूसरी चीज़, चूँकि हमारे पास एक्सपीरियंस एक्सेलेंट अल्हम्दुलिल्लाह फैकल्टीज़ हैं, तो इस हिसाब से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास एडमिशन लेते हैं वो बेहतरीन कामयाबी से अपना और अपनी कौम का नाम रोशन करें। और एक लास्ट बात, नायक सर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए 10-15 साल पढ़ाने के बाद अब मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज ओपन किया हूं। तो मुबीन्स पीयू कॉलेज में आप अपना एडमिशन लेकर अपने करियर को इंशाल्लाह ब्राइट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राइट फ्यूचर बाय ब्रिलियंट टीचर। तो मुबीन पीयू साइंस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन अभी जारी है। थैंक यू।